हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। अब जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का हमने पैटर्न ऑफ एक्टिव सेल इंजरी को एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी क्या है एंड इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या है, वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी या फिर सेल इंजरी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी की कुछ वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, जिससे क्या आपको मेरी इससे रिलेटेड सारी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का सेकंड पार्ट, कौन सा, सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी, यानी कि सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी क्या है, यानी कि क्या होगा जो आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज इंक्लूड, यानी कि सेल के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस क्या क्या होंगे। तो इसमें मैंने 6 पॉइंट आपको बताए। तो अब हम इसमें मैंने 6 पॉइंट बताया, कौन कौन से, सेलुलर स्वेलिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अल्टरेशन लाइसोसोमल सेल इंजरी क्या है, हेटरोफेगी क्या है और ऑटोफेगी, यानी कि जो सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी है इससे हमारे सेल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैंने एक पॉइंट के हिसाब से बताया आपको। 6 पॉइंट बताया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अपन सेलुलर स्वेलिंग क्या है। सेलुलर स्वेलिंग देखो, मैंने बताया कि इसका मीनिंग होता है, इसका जो आपने एरो नीचे की तरफ लगाया मतलब डिक्रीज, यानी कि एटीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीज एटीपी कोज डिक्रीज एक्शन, यानी कि जिससे क्या कोज हो रहा है, जो डिक्रीज एक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पम्प, यानी कि जैसे एटीपी डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका सोडियम या पोटेशियम पम्प है वो डिक्रीज एक्शन हो रहा है उनका भी, जिससे सेल मेम्ब्रेन पे एक तरह से पोटेशियम और सोडियम पंप का एक्शन बहुत ही कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन सेल मेम्ब्रेन में। देन उससे अगर सेल मेम्ब्रेन में जैसे ये इफेक्ट कम पड़ेगा तो इससे क्या होगा, जो सोडियम प्लस है या वाटर है उनकी जो लीडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या सेल स्वेलिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इससे क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग होगी, जिसमें अपन ये चीज़ याद रखनी है कि क्या डिक्रीज। तो अब हमने क्या बताया कि जिसमें एटीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, कोस्ट डिक्रीज एक्शन ऑफ सोडियम आयन प्लस पोटेशियम पम्प, जिससे क्या होगा कि इन सेल में क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पम्प के एक्शन जो डिक्रीज हो जाएगा, एटीपी डिक्रीज होगा, जिससे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल स्वेलिंग हो जाएगी और इससे सेलुलर स्वेलिंग होगा। सेकेंड क्या अपना माइटोकॉन्ड्रियल चेंज, माइटोकॉन्ड्रियल चेंज में क्या होगा, इन इसेमिक इंजरी यानी कि हाइपोक्सिया इसेमिक इंजरी होगी, तो उससे जो आपके प्रोटीन या लिपिड या अल्ट्रा द कैल्शियम लेवल है उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी कि एक तरह से जो आपके लिपिड है प्रोटीन है उनमें एबनॉर्मलिटी है, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होगा या फिर प्रोटीन बहुत लेवल बढ़ जाएगा, लिपिड बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होगा या फिर उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या है इससे कि माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस हो जाए, यानी कि उसमें में इंजरी के कारण क्या है ये एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होती है, तो इसमें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया चेंज हो गया, यानी कि इसमें देखो रैपिडली इसेमिक इंजरी होती है जो डिले होती है, जैसे केमिकल इंजरी या फिर इसीमिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इससे इसीमिया होगा, अगर इसीमिया इंजरी होगी तो वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे क्या है, जैसे आयन वगैरह है, लास्ट साइज अमोर्फस या फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें चेंजेस आ जाएंगे, जिससे क्या प्रोटीन लिपिड में एक कैल्शियम लेवल में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी कि इससे भी इंजरी होगी तो उससे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल चेंज में माइटोकॉन्ड्रियल जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और इससे क्या है एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड अल्टर द कैल्शियम लेवल। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस क्या है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें क्या होगा, चेंजेस ऑफ ER, यानी कि इसमें चेंजेस ऑफ ER अकर अर्ली आफ्टर इंजरी ड्यू टू चेंजेस इन आयन एंड वाटर रेगुलेशन, प्रोड्यूस डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम एंड डिसएग्रीगेशन पॉलीसोम्स रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसमें क्या होगा, जो इंजरी होगी ड्यू टू चेंजेस इन आयन, यानी कि या तो आयन या वाटर में के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस होगा जिससे क्या ये इंजरी होगी, और जैसे डिटैचमेंट हो रहा है राइबोसोम का या डिसएग्रीगेशन हो रहा है पॉलीसोम्स का, तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गए तो वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपना काम करना एक तरह से कम कर देगा, फिर वो इंजरी प्रोड्यूस करेगा। तो ये होगा अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चेंजेस होगा, ये होगा कि जो आयन वाटर के रेगुलेशन में चेंजेस हो जाता है इंजरी के कारण, और इससे जो आपका राइबोसोम का डिटैचमेंट हो रहा है या डिसएग्रीगेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रोटियोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना अल्टरेशन ऑफ लाइसोसोम इन सेल इंजरी। अब इसमें क्या होगा,
जनरली अपन ने देखा होगा कि जो आपके लाइसोसोम है वो स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि इसमें क्या होगा, जो लाइसोसोम है बिकम स्वेलिंग, यानी कि लाइसोसोम में स्वेलिंग आ जाएगी। अब लाइसोसोम में जब स्वेलिंग आएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपके लीथल इंजन लाइसोसोम है वो रैप्चर हो जाता है, और इससे क्या होगा लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, यानी कि लाइसोसोमल एंजाइम का लीकेज होने लग जाता है। इस स्टेज में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, यानी कि जैसे आपका अल्ट्रेशन होगा लाइसोसोम, अगर सेल इंजरी ज़्यादा बढ़ी तो लाइसोसोम में क्या चेंज आएगा, लाइसोसोम क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने के बाद क्या होगा, जो उसका रैप्चर होने लग जाएगा, जिससे क्या है लाइसोसोमल एंजाइम लीकेज होगा, और इससे क्या है जैसे लीकेज होने लगेगा इस स्टेज में क्या होगा, एक तरह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने लग जाती है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हेट्रोफेगी। अब मैंने एक चीज़ में बता देती हूँ, जैसे ब्लू रेड क्यों किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। अगर मैं सारे एक ही कलर से लिखती तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था। तो इसमें क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ जो ब्लू वाला है वो फर्स्ट पॉइंट का है, रेड वाला है सेकेंड का है, फिर ब्लू पॉइंट है वो थर्ड का है, फोर्थ है रेड का है। अब देखिए ना अपन हेट्रोफेगी क्या है, इट इज़ द अपटेक ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे अपन कोई भी सेल के अंदर और जो सॉलिड चीज़ों को लेते हैं, यानी कि सेल जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको अंदर अपने लेती है तो फेगोसाइटोसिस होती है। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, हेट्रोफेगी में क्या होगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो अपटेक कर लेती है मटेरियल को, वहाँ किससे, फेगोसाइटोसिस के थ्रू। अब इससे जो अपटेक करेगी तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको एग्जाम्पल की तरफ बता सकते हैं, जैसे फेगोसाइटोसिस या डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया लोकोसाइट्स का, तो वो क्या करती है नेक्रोटिक डेब्रिस को रिमूव कर देती है, जिससे क्या है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रोटीन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिससे क्या सेल इंजरी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑटोफेगी, जो मैंने नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, जो फेगोसाइटोसिस हो बाय लाइसोसोम के थ्रू क्या होगा, डिटेरिओरेटिंग होगा इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दैट ऑटोफेगी इज पार्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड करता है इन सेल अंडरगोइंग एट्रोफी, जिसमें क्या सेल एक तरह से एट्रोफी चली हो जाती है, जिसमें क्या लाइसोम अनडाइजेस्ट डेब्रिस हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑटोफेगिक वॉकुल्स, यानी कि जैसे लाइसोम अनडाइजेस्ट होगा तो वहाँ पे क्या सेलुलर इंजरी हो सकती है, एंड देन मे प्रसिस्ट विद इन द सेल, यानी कि इसमें क्या होगा जो बॉडी जो वो एक्सट्रूड हो, यानी कि सेल से बाहर हो जाती है, एक्सट्रूड हो जाती है, तो इसमें ये चेंज होगा ऑटोफेगी, मतलब क्या होगा लाइसोसोम जो है वो डिटोरेटिंग करेगा इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल को, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। देन उससे क्या होगा कि आपके जैसे जो लाइसोसोम है वो अनडाइजेस्ट होगी किसी साथ डेब्रिस आरकोल, जिसको ऑटोफेगिक वॉक्यूल्स बोलते हैं, एंड इसमें क्या होगा जो आपका सेल है वो क्या करेगी, जो बॉडी जो मे बी उसको एक्सट्रूड कर देती है फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर कर देती है। अब ये था हमारा कौन सा सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी। अब क्या बताया था, अब क्या है जैसे सेल क्या हो जाएगी, इसमें एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी का मीनिंग क्या होता है, एट्रोफी यानी कि जो आपका सेल टाइप है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि सेल साइज वो श्रिंक हो जाता है और वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि ऑटोफेगी में क्या, ऑटोफेगी होने से अपनी सेल में क्या चेंजेस हो गए, यानी कि सेल ज़्यादातर क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, या सेल जो टाइप है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें यही चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑटोफेगी में क्या अपने चेंजेस हो गए, यानी कि जैसे आपकी सेल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। माइक्रो मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मोर्फोलॉजी में ये कि सेल में क्या चेंज होगा स्वेलिंग होने से, तो ये कि इसमें सेल क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। अब एट्रोफी है, हेट्रोफी है, वो आगे और भी है, जिसमें अपन सेलुलर एडेप्टेशन में बताएंगे कि सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, उसमें एट्रोफी हेट्रोफेगी और ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें इनका मीनिंग क्या होता है, किसी में सेल का साइज इंक्रीज होता है, किसी में सेल का साइज डिक्रीज होता है। तो हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो वहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब ये अपने पढ़ रहा है, अब यहाँ पे सब सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी क्या है। अब अपना थर्ड पॉइंट उठाते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं एक्युमुलेशन का मीनिंग क्या है। एक्युमुलेशन वो होता है जैसे कि अपनी बॉडी में कुछ चीज़ जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उससे अपनी बॉडी में या सेल में क्या इफेक्ट होता है, जैसे मान लो कि एक्युमुलेशन लिपिड अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे लिपिड क्या होता है, जैसे कोई फैट है, ऑयल है, वैक्स का एग्जाम्पल लिपिड के ये होते हैं, फैट हो गया, वैक्स हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन यानी इसमें क्या होगा, जो एक्युमुलेट या फिर अल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपका मतलब लिपिड वगैरह ज़्यादा होने से या प्रोटीन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपनी बॉडी में।
एक्यूमुलेट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट, यानी कि जिसमें अमाउंट हो एबनॉर्मल हो जाता है, वो एवरेज वेरियस सबस्टांस में भी एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस में. अब नॉर्मल और एबनॉर्मल एंडोजीनियस सबस्टांस जो होंगे उससे क्या होगा, कैन नॉट बी, यानी कि मेटाबॉलिज नहीं हो पाएगा. देन सबसे पहले इसमें कई पॉइंट है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट कौन से देखेंगे, एक्यूमुलेशन इन लिपिड. अगर लिपिड में एक्यूमुलेशन होता है तो वहाँ पर चेंज सेल में क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इंट्रासेलुलर अल्टरेशन ऑफ लिपिड मीन्स एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट विद इन ए पैरेन्काइमल सेल. यानी कि जो पैरेन्काइमल सेल है उसमें क्या होगा, एक तरह से लिपिड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी कि लिपिड बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है या एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगा, जिससे फैटी चेंज अकर्स मोस्टली इन हिपेटोसाइट्स. यानी कि लीवर सेल के अंदर क्या होगा, जो फैटी चेंज है वो ज़्यादातर वहाँ पर हिपेटोसाइट में चेंजेस हो जाएंगे. या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म वो क्या है, जैसे कहाँ पे होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, आल्सो अकर इन हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स. यानी कि अगर लिपिड का जैसे वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, तो ज़्यादातर मसल्स जो है हार्ट पे, स्केलेटल मसल, किडनी, इन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. जैसे अपन इन द लीवर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, लीवर के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इसका ट्राइग्लिसराइड का, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होगा, या फिर इनकॉर्पोरेशन इन फॉस्फोलिपिड विद यूटिलाइजेशन एज ए फ्यूल बाय माइटोकॉन्ड्रिया. यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे फॉस्फोलिपिड का इनकॉर्पोरेशन होगा, या कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होना, या फिर ट्राइग्लिसराइड बनना, ये सब किस में चेंज होंगे, अपने लिपिड्स के अंदर, जैसे क्या सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. अब इसमें क्या है, जैसे हाइपरलिपो प्रोटीन एनीमिया, यानी कि इसमें क्या होगा, जो एबनॉर्मल लेवल होगा लिपिड्स का या लिपोप्रोटीन का, ब्लड के अंदर एबनॉर्मल लेवल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिपोप्रोटीन एनीमिया. यानी कि हाइपर का मतलब एक दो वर्ड होते हैं अपने, हाइपर और हाइपो. हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना और हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना. तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से लिपिड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर लिपोप्रोटीन का लेवल हो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कहाँ पे, ब्लड के अंदर. देन इसके दो आगे पार्ट दे रखे, जैसे प्राइमरी हाइपर लिपोप्रोटीन एनीमिया एंड सेकेंडरी. और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी होगा जैसे दिस डिसऑर्डर अफेक्ट लिपिड ट्रांसपोर्ट इन सीरम, यानी कि लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है इन सीरम को, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है. देन या फिर इससे क्या है, लिपिड ट्रांसपोर्ट का जो अफेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या है, ये काफ़ी जैसे डिजीज हो सकती है इससे. अब है सेकेंडरी हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, इससे क्या होगा, जैसे आल्सो नोन एज एक्वायर हाइपर लिपोप्रोटीन एनीमिया, यानी कि इसको एक्वायर हाइपर प्रोटीन एनीमिया भी बोलते हैं. अब इससे मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं एक्वायर हाइपर लिपिडीमिया से, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, या जैसे अपन डायबिटिक ड्रग की यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या है, बीटा ब्लॉकर हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, अदर कंडीशन में क्या हो सकता है, कई बार हाइपोथायरायडिज्म. अब जैसे डायबिटीज, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाना, या फिर अपन डायबिटिक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, उससे भी डाइट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है. वहाँ पे हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, बीटा ब्लॉकर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है, एस्ट्रोजन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया हो सकते हैं. अब ये तो अपने पढ़ा है इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन इन लिपिड्स के अंदर. अब सेकंड अपन कौन सा पॉइंट देखेंगे, इंटरसेलुलर अल्टरेशन या एक्यूमुलेशन इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के अंदर होता है तो अपने क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है. तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ ए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोटीनियस मटेरियल विद इन सेल. अगर प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स ऑफ द किडनी एंड प्लाज्मा सेल, यानी कि इसमें भी क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जैसे एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोटीन हो जाती है तो सेल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगी, जो एपिथेलियल सेल होती है अपनी, यानी कि जैसे अपने सेल के टाइप, टिश्यू के टाइप पड़ेगी, एपिथेलियल टिश्यू होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगी, तो सारी सेल के जो पार्ट होती है, यानी कि प्राइमरी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, तो वो क्या करती है, किडनी जो प्लाज्मा सेल होती है वहाँ पे किडनी पर इफेक्ट डालती है एक तरह से. एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा प्रोटीन का, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा प्रोटीन का इन किडनी के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, जो लीकेज हो रहा है प्रोटीन का ग्लोमेरुलर इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो वहाँ पे लीकेज होने लग जाएगा, यानी कि जिसका प्रोटीन्स का क्या है, एक तरह से लीकेज प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो वहाँ पे क्या अपनी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है. तो यानी कि जैसे अपने सेल्फ ही यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका एक्सेस अमाउंट में, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किडनी से, जिससे क्या अपनी एपिथेलियल सेल्स वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. ये था अपना किसके ऊपर हो गया, प्रोटीन के ऊपर. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन, यानी कि जैसे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन का होता है, तो अपने क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. इसमें क्या है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, जो इंटरसेलुलर, ये जैसे एबनॉर्मलिटी इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जैसे ग्लूकोज होगी या ग्लाइकोजन होगी, इसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसके मेटाबॉलिज्म में, तो वो क्या होती है आपके इंटरसेलुलर, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होगी, जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी होना क्या है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन.
अभी क्या है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट का बताया या ग्लूकोज में बताया कि उनमें क्या है एबनॉर्मलिटी हो जाती है मेटाबॉलिज्म का, तो उसको आगे हम टू बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब क्या होता है ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन, क्या होगा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द सर्कुलेशन यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। अब मैंने आपको बताया था अभी पीछे बताया कि हाइपर मतलब इंक्रीज होना और हाइपो मतलब डिक्रीज होना, तो यहाँ पे क्या है ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। किस कहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट हो रहा है, तो वो होगा ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन। यानी कि इसमें क्या होगा जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो क्या करता है डायबिटीज मेलाइटिस को करता है, या फिर जिससे इसमें इंसुलिन की जो कंसेंट्रेशन है वो इनसफिशियंट हो जाती है, जिससे क्या है जो इनसेंसिटिविटी यानी कि टिश्यू के अंदर इनसेंसिटिव टू इंसुलिन हो जाता है। देन इसमें अपन हाइपरग्लाइसीमिया का ही सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है एक्सेसिव अमाउंट होना, ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन। अब सेकेंड अपना क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन स्टोरेज में क्या है जैसे डिफेक्ट इन द प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस ऑफ ब्रेकडाउन विद इन मसल्स लिवर, यानी कि इसमें क्या करना है कि एक तरह से मसल्स लिवर है उसको ब्रेकडाउन करता है उसकी सिंथेसिस को, और उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। यानी कि डिफेक्ट इन द प्रोसेसिंग हुई यानी कि जैसे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है उसको ब्रेक डाउन करना विद इन मसल्स में लीवर में एंड अदर सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अब इसमें क्या होता है जो मेनली जो जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, एक्वा डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी कि इसमें जेनेटिक इफेक्ट हो गया डिफेक्ट हो गया या फिर एक्वा डेफिशिएंसी होगी। कौन कौन सी हो सकती है, इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हो गई, एसिड माल्टेज होगी, ग्लाइकोजन डिब्रांचर होगी, ये कुछ डिजीज है जो हो सकती है। अब ये था अपना कार्बोहाइड्रेट इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। अब लास्ट पॉइंट अपना एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम और कैल्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम या कैल्सिफिकेशन का एक्यूमुलेशन होगा। अब ये कैसे होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज आल्सो नोन एज कैल्सिफिकेशन, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा सेल यानी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होना, एक्यूमुलेट होना यानी कि इकट्ठी होना, उसको बोलते हैं अपन कैल्सिफिकेशन। मोस्टली टू टाइप की दे रखी है जैसे डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब डायस्ट्रोफिक क्या होती है, इसमें क्या होगा जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट है वो डेड या डाइंग टिश्यू होगी, यानी कि जो डेड या डाइंग टिश्यू है वहाँ पर क्या होगा कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होगा, ये होगी डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब ये डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो प्रेजेंस होती है नॉर्मल लेवल सीरम में कितना होता है अराउंड ये लगा लो 10 mg/100 ml, ये अपने कहाँ पे होता है एक तरह से कहाँ पे जो होता है ये होता है प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल लेवल सीरम यानी कि नॉर्मल लेवल है ये, तो ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। अब इसमें क्या होगा डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में उसका कैल्शियम साल्ट जो डिपोजिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब इसमें मैंने नॉर्मल लेवल बताया कि नॉर्मल लेवल इतना होता है, इससे अगर ज़्यादा होगा तो उसमें होगा डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब सेकंड है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, इसमें क्या होगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन नॉर्मल टिश्यू इज नोन, यानी कि यहाँ पे तो अपनी डेड और डाइंग टिश्यू में कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन हो रहा था, और मेटास्टेटिक में कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है नॉर्मल जो टिश्यू वहाँ पे क्या होगा कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होगा, उसको बोलेंगे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कैल्सिफिकेशन के, जैसे आपके क्या होगा टीथ में कुछ प्रॉब्लम होना या किडनी में स्टोन होना, ये सारे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के आप सिम्टम्स वगैरह देख सकते हो। तो आपको सिर्फ इसमें तो ही दोनों में यही डिफरेंस याद रखना है कि ये तो होगा डेड डाइंग टिश्यू में डिपोजिशन और ये कहाँ पर होगा नॉर्मल टिश्यू में। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक मोर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने दो पॉइंट आपको क्लियर किया कौन सा सबसेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी और थर्ड कौन सा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो अभी आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।